हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, हम SSC फेज 9th का एग्जामिनेशन जो कि फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है, उसके लिए वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने 4 वीडियोस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है, और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो दोस्तों, अब आगे आने वाले वीडियोस में हम सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है करने को, यहाँ पे जो गिवन वर्ड है हमारा, उसके नियरेस्ट मीनिंग देखनी है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है, और उसको ही हमें सेलेक्ट करना है, यानी हमें सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। द गिवन वर्ड इज बैरन, इट्स एन एडजेक्टिव। तो हमारा गिवन वर्ड क्या है, बैरन है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, अनुत्पादक। अनुत्पादक जो कि जिसमें उत्पादन करने की क्षमता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनफर्टाइल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कभी कभी बैरन लैंड, आपने सुना होगा बैरन लैंड। तो बैरन लैंड का मतलब क्या होगा, बंजर भूमि। तो बंजर भूमि हम ऐसी भूमि को कहते हैं जो कि अनुत्पादक होती है या उसमें उत्पादन करने की क्षमता कम होती है, तो उसको हम बैरन लैंड कहते हैं। यहां पे चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन वन हमारा है गुड, इट मींस ऑफ हाई क्वालिटी और सुटेबल। तो गुड का मतलब हिंदी में अच्छा होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो है हाई क्वालिटी की हो, ठीक है, या कंड्यूसिव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अच्छा कहते हैं, उसको हम गुड कहते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना, होलसम। होलसम का मतलब होता है पूरा, गुड एनफ इन क्वांटिटी। तो यानी कि मात्रा में गुड एनफ हो, ठीक है, मात्रा में गुड एनफ हो पूरी तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे, होलसम कहते हैं, जितनी भी मात्रा दी गई है उसका पूरा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है नॉट प्रोड्यूसिंग मच और गुड रिजल्ट्स। तो अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है आपका अनुत्पादक, जिसमें उत्पादन करने की क्षमता कम होती है या नहीं होती है, जिसको हम अनप्रोडक्टिव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर देख लेते हैं प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल भी एक आपका विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट मेक्स और इज लाइकली टू मेक प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबल का मतलब होगा कि जो आपको प्रॉफिट देता हो, या तो आपकी संभावना है कि आप उससे प्रॉफिट आगे प्राप्त कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल कहते हैं। प्रॉफिटेबल का अगर हिंदी में आप मतलब देखो तो इसका मतलब होता है लाभदायक। तो कोई भी चीज अगर आपको लाभ देती है, प्रॉफिट देती है, ठीक है, तो वो क्या है कहलाएगी, कैसी कहलाएगी आपके लिए, प्रॉफिटेबल कहलाएगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है बैरन का सिनोनिम। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, अनुत्पादक। तो आप ऑप्शन थ्री देखो, विच इज अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग एज द बैरन हैज, सो वी वुड मार्क ऑप्शन थ्री एज द करेक्ट वन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे फिर हमसे सिनोनिम पूछा गया है, हमारा वर्ड क्या है, एंशियंट है। एंशियंट भी एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट। तो एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, एंशियंट का मतलब होता है हिंदी में प्राचीन। तो एंशियंट मतलब क्या है, एक समय, जैसे अगर आप टाइम लाइन को ले लो, समय को ले लो, तो जिस समय की हम बात कर रहे होते हैं, जिस समय प्रेजेंट की हम बात कर रहे होते हैं, वर्तमान की, जिस समय हम जी रहे होते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट। और उसके आने वाला जो समय होता है वो क्या होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, वो फ्यूचर होता है, भविष्य होता है। लेकिन इस प्रेजेंट के पहले की जो चीजें हैं उसको हम क्या कह देते हैं, पास्ट कह देते हैं, अतीत कह देते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें अतीत से जुड़ी हुई हो, ठीक है, जो भी चीजें प्राचीन हो, जो भी चीजें अतीत से जुड़ी हुई हो, बीते हुए कल से जुड़ी हुई हो, तो हम क्या कहते हैं, उनको एंशियंट कह देते हैं। काफी जो पुरानी हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो अतीत से जुड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि अब कल जो हुआ उसको भी आप एंशियंट कह दोगे, नहीं। तो
एंशियंट का मतलब होगा कि जो काफी समय पहले की चीजें हों, ठीक है, उनको हम एंशियंट से रिलेटेड कहते हैं, ठीक है, उनको हम एंशियंट कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं अपना। ऑप्शन वन हमारा है टॉपिकल, इट मींस ऑफ और रिलेटिंग टू टॉपिक्स। तो टॉपिकल का मतलब होगा कि किसी टॉपिक से या किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, किसी टॉपिक से संबंध रखने वाला हो तो उसको हम टॉपिकल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन टू देख लेते हैं एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होगा स्टिल एग्जिस्टिंग। तो स्टिल एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट होने का मतलब क्या होता है, जो अभी भी है, जो अभी भी कंटिन्यू है, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम एक्सटेंट कहते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं आर्किक, आर्किक का मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अर्लियर और मोर प्रिमिटिव टाइम। तो आर्किक का मतलब क्या होता है, इसको आप देखो तो आर्किक का मतलब होगा पूरा, पूरा यानी काफी पहले का, ठीक है। आर्किक का मतलब होगा कि ऑफ से, उससे संबंध रखने वाला, उससे जुड़ा हुआ या किससे, टू अर्लियर और मोर प्रिमिटिव टाइम, काफी पहले के समय से, ठीक है, जुड़ा हुआ जो हो, जो प्रिमिटिव टाइम से जुड़ा हो, काफी पहले के टाइम से जो जुड़ा हुआ हो, वैसे चीजों को हम क्या कहते हैं, आर्केक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फोर देख लेते हैं फैड, इट मींस इंटरेस्ट फॉलोड बाय एग्जैजरेटेड जील, ठीक है। तो एग्जैजरेटेड जील का मतलब काफी ज्यादा एग्जैजरेटेड उत्साह, मतलब हद से ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा एक्साइटमेंट, उससे ज्यादा जील, उससे ज्यादा उत्साह, ठीक है। किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट है अगर आपको उस तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैड कहते हैं, ठीक है। यहां पे हमसे पूछा गया है एंशियंट का सिनोनिम बताओ, तो आप ऑप्शन थ्री देखो आर्केक, आर्केक ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग एज द एंशियंट हैज, सो वी वुड मार्क ऑप्शन थ्री आर्केक एज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पे हमारा वर्ड क्या है, परस्पिक्यूअस, ठीक है, हमारा वर्ड है परस्पिक्यूअस। इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इट मीन्स इजिली अंडरस्टैंडेबल। इफ समथिंग इज परस्पिक्यूअस इट मीन्स इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। तो अगर कोई भी चीज आपके लिए परस्पिक्यूअस है तो वो क्या है, उसको आप इजिली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो, इजिली उसको समझ सकते हो, तो आसानी से समझ आ जाने वाली, आसानी से समझ आने वाली जो चीजें हैं या जो कुछ भी है उसको हम क्या कहते हैं, परस्पिक्यूअस कहते हैं, जो कि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ऑप्शन वन देख लेते हैं रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप किसी विषय के बारे में बात कर रहे हो या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी आइडिया, कुछ भी हो सकता है, तो अगर उससे कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं तो हम क्या कहेंगे, वो रेलेवेंट है, ठीक है, वो उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के रेलेवेंट है। इसका मतलब कि उसका संबंध उस टॉपिक से है, उस विषय से है, उस वस्तु से है, ठीक है। तो अगर उसको क्लोजली दोनों चीजें रिलेटेड है तो हम कहते हैं कि दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से रेलेवेंट है, ठीक है। ऑप्शन टू देख लेते हैं प्रिसाइज, इट मींस क्लियर एंड एक्यूरेट। तो प्रिसाइज का मतलब होता है जो कि बिल्कुल क्लियर हो और एक्यूरेट हो, ठीक है, थोड़ा सा भी उसमें डेविएशन ना हो, है ना, थोड़ी सी भी त्रुटि की संभावना ना हो। तो जो एक्यूरेट हो, त्रुटिहीन हो, मतलब उसमें त्रुटि ना हो, है ना, जो बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल क्लियर हो और बिल्कुल त्रुटिहीन हो, उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज, क्लियर एंड एक्यूरेट, ठीक है। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं ब्रीफ, इट मीन्स शॉर्ट और लास्टिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ब्रीफ का मतलब होता है कि बिल्कुल शॉर्ट हो कोई चीज और क्या हो, और इट ऑल्सो लास्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सीमित समय तक के लिए हो, ठीक है। ब्रीफ का मतलब होगा सीमित या आप संक्षिप्त, ब्रीफ का मतलब हिंदी में होता है संक्षिप्त, ठीक है। तो कोई भी चीज क्या है, अगर कम समय के लिए है, कम समय के लिए है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, छोटा है, सीमित है, संक्षिप्त है, तो उसको हम ब्रीफ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फोर देख लेते हैं क्लियर, इट मींस इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट कॉजिंग एनी कंफ्यूजन। तो क्लियर का मतलब होगा कि जो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए और जो कि बिल्कुल कंफ्यूजन उसके रिगार्डिंग ना हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है परस्पिक्यूअस का सिनोनिम। ऑप्शन अगर आप देखो
प्रिसाइज एंड ऑप्शन फोर क्लियर। तो दोनों बोथ आर सम हाउ क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर राइट, सो दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सो बट वी वुड मार्क ऑप्शन टू प्रिसाइज हियर एज द करेक्ट वन बिकॉज इट सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द परस्पिक्यूअस। So we can also say that at times clear can also be a correct option, but here in out of all these four options we find that option 2 which is precise is the most appropriate, so that's why we would mark option 2 as the correct one right. Let's move ahead. The next question is choose the option which best expresses the meaning of the given word. The given word is loquacious. It's an adjective. It means talking a lot. If someone is loquacious, it means he or she is very talkative. He or she is talking a lot. तो यहाँ पे हम options देखें. Option 1 is talkative. It means talking a lot with eager. तो जो कि काफी ज्यादा बातूनी हो. टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो काफी ज्यादा बात करता हो ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं स्लो, इट मींस नॉट फास्ट, जो बिल्कुल तेज ना हो, और समथिंग विच डज नॉट मूव क्विकली ठीक है, जिसमें जो कि स्लो किसको हम कहेंगे, जो कि फास्ट ना हो, जो तेज ना हो और बिल्कुल जो मूव करने की जो क्षमता है वो जल्दी से ना हो, जल्दी मूवमेंट, क्विक मूवमेंट उसमें ना हो, स्लो हो, जो तेज ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लो कहेंगे, धीमा कहेंगे है ना। कोई भी चीज अगर स्लो है तो वो कैसी है, धीमी है ठीक है, स्लो का मतलब होता है धीमा। ऑप्शन 3 देख लेते हैं कंटेंट, इट मींस हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। अगर आप कंटेंटेड हैं ठीक है, अगर आप कंटेंटेड हैं तो आप कैसे हैं, आप हैप्पी हैं, आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आपका जो डिजायर है ठीक है, आपका जो ग्रीड है वो कैसा है, सीमित है, आपकी जो वांट्स हैं वो सीमित है। ऐसा नहीं कि आज हमें ये चाहिए, कल ये चाहिए, परसों वो चाहिए, उसी में लगे रहे हो, नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं। अगर आप कंटेंटेड हो ठीक है, तो आप क्या हो, आप हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, अरे ठीक है जो भी मेरे पास है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद दैट ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो दूसरे के पास है उसको अपने पास लेने के लिए रो रहे हैं कि अरे उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो चीज नहीं आएगी अगर आप सेल्फ कंटेंटेड हो। तो कंटेंट का मतलब ये होगा कि हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, ऑप्शन 4 हमारा है अनक्लियर विच इज कंफ्यूजिंग और नॉट क्लियर राइट। अनक्लियर का मतलब होगा कि अस्पष्ट, 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 जो कि स्पष्ट ना हो, जो कि अस्पष्ट हो, कंफ्यूजिंग हो, क्लियर ना हो, उसको हम अनक्लियर कहते हैं। तो लोक्वेशियस का यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है ऑप्शन 1। आप देखो टॉकेटिव, टॉकेटिव का भी मतलब होता है, टॉकेटिव का भी मतलब होता है टॉकिंग अ लॉट विद ईगर, और लोक्वेशियस का भी मतलब होता है टॉकिंग अ लॉट। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 1 विच इज टॉकेटिव एज द करेक्ट वन। लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे अगेन वी हैव बीन आस्क्ड सिनोनिम, द वर्ड इज विंडिक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स ट्राइंग टू हर्ट और अपसेट समबॉडी। तो विंडिक्टिव का मतलब ऐसा कोई एक्शन आपका, ऐसा कोई बिहेवियर विच इज इंटेंडेड टू हर्ट और अपसेट समबॉडी। तो विंडिक्टिव का मतलब होगा कि आपका कोई ऐसा एक्शन, ऐसा बिहेवियर जो कि दूसरों को हर्ट करने के लिए, दूसरों को अपसेट करने के लिए किया जाता हो, तोड़फोड़ करने के लिए किया जाता हो, नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता हो, तो वैसे बिहेवियर को, वैसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, विंडिक्टिव कहते हैं ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा 1 है इमेजिनेटिव, इट मींस हैविंग और शोइंग इमेजिनेशन। तो इमेजिनेटिव का मतलब होगा कल्पनाशील, अगर आप देखो तो कल्पनाशील, तो जिसमें कल्पना करने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, इमेजिनेशन करने की क्षमता हो, या वो उसकी क्वालिटी, इमेजिनेशन की क्वालिटी को एग्जिबिट करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनेटिव कहेंगे ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव का मतलब होगा कंटेनिंग और एक्सप्रेसिंग एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है, आरोप होता है
ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज जो कि क्या है उसमें आरोप लगाया गया हो, है ना, एक्विजिशंस हो उसमें, या तो एक्विजिशन उससे एक्सप्रेस्ड हो, तो उसको हम कैसा कहेंगे, एक्यूजेटिव इन नेचर कहेंगे, है ठीक है। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, स्पाइटफुल, इट मींस बिहेविंग इन एन अनकाइंड वे, ठीक है, इन ऑर्डर टू हर्ट समबॉडी। तो स्पाइटफुल का मतलब होगा कि इस तरीके से व्यवहार करना, अनकाइंड तरीके से, ठीक है, निर्दयता पूर्व तरीके से व्यवहार करना, ठीक है, दूसरे के लिए कंसिडरेशन ना होना, सेम्पथी ना होना, काइंडनेस ना होना, उस तरीके से आप व्यवहार करना इन ऑर्डर टू हर्ट समबॉडी, तो दूसरों को हर्ट करने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, तो उस तरीके से अगर आप वो करते हो, बिहेव करते हो, तो आपका बिहेवियर कैसा कहलाएगा, स्पाइटफुल कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन फोर देख लेते हैं, अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब होता है एंग्री और बिहेविंग इन और थ्रेटनिंग वे। तो एग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि गुस्सैला या और इस तरीके से व्यवहार करना थ्रेटनिंग वे में। थ्रेटनिंग का मतलब होता है डरावने, या डरावना जो है, डरावना है, तो डरावने तरीके से व्यवहार करना, डराने के उद्देश्य से व्यवहार करना, ठीक है, गुस्से में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अग्रेशन कहते हैं, उसको हम एग्रेसिव कहते हैं। अगर आप उस तरीके के व्यवहार करते हो आप, तो उसको हम एग्रेसिव कहेंगे, ठीक है आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखें विंडिक्टिव, और यहाँ पे पूछा गया सिनोनिम, तो आप स्पाइटफुल देखो, ऑप्शन थ्री, स्पाइटफुल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज द सेम मीनिंग एज द विंडिक्टिव हैज, सो वी वुड मार्क ऑप्शन थ्री एज द करेक्ट वन, स्पाइटफुल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विंडिक्टिव। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, द गिवन वर्ड इज इनक्लेमेंट, इनक्लेमेंट इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स अनफेवरेबल और नॉट प्लीजेंट। तो कोई चीज अनफेवरेबल है, अनप्लीजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनक्लेमेंट। तो अगर कोई चीज अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवर का मतलब क्या होता है, फेवर का मतलब होता है पक्ष, ठीक है, अगर कोई चीज फेवरेबल है तो वो आपके पक्ष में है, ठीक है, आपके लिए अच्छी है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है, आपके लिए अनिष्टकारक, मतलब अनिष्ट करती है आपका, कोई चीज अनफेवरेबल है, आपको पसंद नहीं है वो, है ना, आपके अकॉर्डिंग नहीं है चीजें, तो अनफेवरेबल है, ठीक है। तो अनप्लीजेंट का मतलब क्या होगा, जो आपके लिए प्लीजेंट ना हो, जो आपके लिए सुखप्रद ना हो, उसको हम अनप्लीजेंट कहेंगे, ठीक है। तो वैसी चीजों को हम क्या कहेंगे, उनको हम कैसा कहते हैं, इनक्लेमेंट कहते हैं, उनके लिए इनक्लेमेंट वर्ड का यूज किया जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सेल्फिश, केयरिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ, अगर आप केवल अपने बारे में ही सोच रहे हो, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, तो उस आपको क्या कहेंगे, सेल्फिश कहेंगे, ठीक है। सेल्फिश का मतलब होगा कि केवल अपने ही बारे में सोचना, दूसरे के बारे में न सोचना, ठीक है। एक्टिव का मतलब होगा ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग, तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है कि हमेशा व्यस्त रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब कि नॉट फेवरेबल और कंडीशन, जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, जो आपके पक्ष में ना हो, वो अनफेवरेबल है, ठीक है। ऑप्शन फोर देख लेता है, इनएक्टिव, जो कि एक्टिव ना हो, जो सक्रिय ना हो, ठीक है। तो इनएक्टिव का मतलब होगा अस्क्रिय, जहां तक मुझे पता है अक्रिय होगा या असक्रिय होता है, हिंदी मतलब थोड़ी सी वीक है मेरी, बट यहाँ पे इनएक्टिव का मतलब सीधा सीधा यही होगा कि जो कि एक्टिव नहीं हो, जो कि सक्रिय ना हो, ठीक है, लेजी सा हो, स्लो हो, तो उसको हम इनएक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इनक्लेमेंट का, पूछा गया हमसे क्या, पूछा गया है सिनोनिम, पूछा गया है ऑप्शन थ्री। आप देखो अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब भी होता है वही कि जो मतलब है आपका इनक्लेमेंट का, तो हम यहाँ पे ऑप्शन थ्री को करेक्ट मार्क करेंगे, अनफेवरेबल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इनक्लेमेंट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड है जीनियल, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स फ्रेंडली एंड चीयरफुल, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब क्या होगा, मित्रवत, मित्रवत, या तो आप इसको ऐसे कह लो मैत्री पूर्ण, ठीक है।
तो अगर कोई जेनियल है तो वो कैसा है? चीयरफुल है, ठीक है, खुश रहने वाला हमेशा, ठीक है, हमेशा स्माइल करने वाला, हमेशा सुख खुश रहने वाला, और वो कैसा है? मैत्रीपूर्ण है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जेनियल कहेंगे, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉर्डियल, इट मीन्स प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, ठीक है, जो कि प्लेजेंट हो, ठीक है, सुखद हो और कैसा हो? मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है, मैत्रीपूर्ण हो, तो उसको हम कॉर्डियल कहते हैं। ऑप्शन टू देख लेते हैं। अनसेल्फिश, नॉट सेल्फिश, इसका मतलब होगा, तो अनसेल्फिश का मतलब होगा नॉट सेल्फिश। तो सेल्फिश का मतलब क्या है? सेल्फिश का मतलब है कि जो केवल अपने बारे में ही सोचे, ठीक है, दूसरों के बारे में ना सोचे। तो ये, लेकिन यहाँ पे अनसेल्फिश का मतलब होगा कि जो सेल्फिश ना हो, जो दूसरों के बारे में भी सोचे, ऐसा नहीं कि केवल अपने बारे में ही सोचता रहे, अपने बारे में ही बोलता रहे, ठीक है, जो भी करे अपने लिए करे। तो ऐसा व्यक्ति जो नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? अनसेल्फिश कहेंगे। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होगा गिविंग अटेंशन और थॉट। तो केयरफुल का मतलब होगा कि केयर करना, है ना, प्रॉपर अटेंशन देना, प्रॉपर सोचना, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से ध्यान देना, केयरफुल होना। केयरफुल रहने का मतलब है सावधान रहना हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन फोर देख लेते हैं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक। अगर हम स्पेसिफिक कहते हैं तो विशेष, विशेष, इसको हम स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष। अगर हम किसी चीज के बारे में बात करें स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक, स्पेसिफाई करके, तो उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसमें डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेलिंग पर उसके बात कर रहे हैं, और केवल उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम स्पेसिफिक कहते हैं। तो यहाँ पे जीनियल का पूछा गया है सिनोनिम, यहाँ पे कॉर्डियल और जीनियल का मीनिंग होगा सेम, इसलिए हम ऑप्शन वन को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा ऑप्शन को चुनो इन चारों ऑप्शंस में से जो कि क्या है, नियरेस्ट मीनिंग है, जिसमें किसके नियरेस्ट, जो हमारा गिवन वर्ड है। गिवन वर्ड क्या है? पॉइनियंट, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स दैट मेक्स यू सैड। तो पॉइनियंट का मतलब होगा कि कोई भी चीज जो कि आपको क्या करे, दुखी कर दे, ठीक है, सैड का मतलब होता है दुखी, जो कर दे आपको, तो उसको हम कैसा कहेंगे? पॉइनियंट कहेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन सोई, इट मींस ब्राइटली कलर्ड, सोई का मतलब जो कि इजिली विजिबल हो आपको, आसानी से दिख जाए, ठीक है, ब्राइट कलर हो, ब्राइटली कलर्ड हो, तो सोई का मतलब होगा कि जो एकदम बिल्कुल हाईलाइटेड हो, है ना, आपको इजिली ऑब्वियसली विजिबल हो, तो उसको हम सोई कहते हैं। ऑप्शन टू देख लेते हैं। सैड, सैड का मतलब होगा अनहैप्पी, दुखी, है ना, नाखुश, नाखुश कह लो आप, नाखुश कह लो, दुखी कह लो, अनहैप्पी का मतलब होगा दुखी कहना, दुखी होना, तो सैड का मतलब है कि दुखी होना। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं। सिली, सिली का मतलब होगा फुलिश, फुलिश मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण, तो सिली का मतलब होगा मूर्खतापूर्ण, फुलिश, ठीक है। ऑप्शन फोर देख लेते हैं। स्नॉबिश, इट मींस थिंकिंग दैट हैविंग अ हाई सोशल क्लास इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो स्नॉबिश उसको कहते हैं, उस थिंकिंग को, कि एक सोशल, जो हाई सोशल क्लास है, ठीक है, वो होना काफी जरूरी है, तो ऐसी थिंकिंग को हम स्नॉबिश थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है पॉइनियंट का क्या सिनोनिम। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, पॉइनियंट का मतलब होगा कि दैट मेक्स यू सैड, जो आपको दुखी कर दे। ऑप्शन टू आप देखो, विच इज सैड, इसका भी मतलब होता है दुखी, नाखुश, अनहैप्पी, तो यहाँ पे हम सैड को करेक्ट मार्क करेंगे। ऑप्शन टू विच इज सैड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा वर्ड है क्वेरलस, हमारा वर्ड क्या है? क्वेरलस, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मींस कंप्लेनिंग और शोइंग दैट यू आर अनॉयड, ठीक है, तो क्या करना? कंप्लेन करना, या ये दिखाना कि तुम अनॉयड हो चुके हो, है ना, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वेरलस कहेंगे, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिटिकल, इट मींस एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, तो किसी चीज को आप डिसअप्रूव कर देना, ठीक है, उसकी निंदा करना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल कहेंगे, वैसे भी उसको। ऑप्शन टू देख लेते हैं। क्यूरियस,
तो क्यूरियस का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रांग डिजायर टू नो समथिंग। तो क्यूरियस का मतलब होता है, जैसे क्यूरियोसिटी नाउन है और क्यूरियस एडजेक्टिव है, जो कि क्यूरियोसिटी से ही, क्यूरियोसिटी का एडजेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे क्यूरियस का मतलब क्या है, ठीक है, क्यूरियस का मतलब है कि वो आपके पास स्ट्रांग एक डिजायर है चीजों को जानने का, ठीक है। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, तो क्यूरियस का मतलब होगा उत्सुक। अगर आप उत्सुक हो किसी चीज को जानने के लिए, इसका मतलब आपके अंदर से वो स्ट्रांग डिजायर है, आपके अंदर वो जानने की जो इच्छा है ना, तो उसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, उत्सुकता कहते हैं, है ना। लेकिन अगर जो उत्सुकता लोगों में हो, तो वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे, क्यूरियस कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन और पेन। तो क्या करना कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, हम डिससेटिस्फाइड हैं, उस बात को एक्सप्रेस करना या अपने दुख को, पेन को, दर्द को बयां करना क्या कहलाता है, कंप्लेन करना कहलाता है, ठीक है, शिकायत करना कहलाता है। ऑप्शन फोर अगर देखें, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग डिफरेंट मीनिंग। तो क्या है कि उसमें इंटरप्रिटेशन की समस्या आती है। अगर कोई एम्बिगुअस है, तो एम्बिगुअस है तो इसका मतलब क्या है, वो अनक्लियर है, ठीक है, और एक्यूरेट नहीं है। तो वो ना ही स्पष्ट है और ना ही वो एक्यूरेट है, ना ही त्रुटिहीन है। तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब होगा कि हम उसका जो मीनिंग है वो स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेरलस का आप सिनोनिम बताओ, तो इसका मतलब होगा कंप्लेनिंग और शोइंग दैट यू आर अनॉयड। देन यू इफ यू लुक एट ऑप्शन थ्री विच इज कंप्लेनिंग, इट ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग एज द क्वेरलस द गिवन वर्ड हैज, सो वी वुड मार्क ऑप्शन थ्री एज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द लास्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। The given word is audacious. Audacious is an adjective. It means willing to take risks or to do something unusual. Audacious का मतलब होता है bold, या वो आपके अंदर willingness, जो इच्छा है, क्या risk लेने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, आप ज्यादा risky हो। You can also say, आप कह सकते हो कि आप adventurous हो। तो जो एडवेंचरस होते हैं, जो रिस्क लेने से डरते नहीं है, उनको हम ऑडेशियस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन हमारा है ब्रिलियंट, इट मींस एक्सट्रीमली क्लेवर और इम्प्रेसिव। जो ब्रिलियंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली क्लेवर होते हैं, काफी चतुर चालाक होते हैं, काफी प्रभावकारी होते हैं, काफी इंप्रेसिव होते हैं। ऑप्शन टू देख लेते हैं पावरफुल, इट मींस हैविंग और शोइंग पावर। तो पावरफुल का मतलब होगा शक्तिशाली, तो जिसके पास शक्ति हो या जो शक्ति का प्रदर्शन करता हो, जिसके पास शक्ति जो रखता हो वो कैसा होगा, शक्तिशाली होगा, जो पावर रखता हो वो पावरफुल होगा। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं बोल्ड, इट मींस ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। तो बहादुर हो जो, ठीक है, जो बहादुर हो, जो कॉन्फिडेंट हो, उसको हम कहेंगे बोल्ड। ऑप्शन फोर देख लेते हैं फ्राइटनिंग, इट मींस मेकिंग यू फील अफ्रेड। फ्राइटनिंग, अगर कोई चीज फ्राइटनिंग है तो वो कैसी है, डरावनी है, ठीक है। अगर कोई चीज फ्राइटनिंग है तो वो चीज डरावनी है, ठीक है, वो आपके मन में फ्राइट, यानी फ्राइट को क्या करती है, जन्म देती है। फ्राइट का मतलब होगा कि डर को पैदा करती है, वैसी चीजें जो है उनको हम क्या कहेंगे, फ्राइटनिंग कहेंगे, ठीक है। ऑडेशियस का पूछा गया है हमसे सिनोनिम, तो आप ऑप्शन थ्री देखो, इसका मतलब यहाँ पे जो बोल्ड है, बोल्ड का मतलब है ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, तो इसका भी मतलब होता है जो ऑडेशियस हमारा है, willing to take risk, जो कि adventurous हैं, जो adventure करते हैं, जो कि risk लेने से डरते नहीं हैं, उनको audacious कहते हैं। तो option 3 को इसीलिए हम correct यहाँ पे mark करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे videos को like करिए, share करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे videos मिलते रहें। Thank you so much for watching the video. Have a great day ahead. जय हिंद।